लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रेरा ने लगाया 1,37,00,000 रुपए का जुर्माना। तो लखनऊ रेरा ने 1,37,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है पार्ट इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड पर। जुर्माना लगाया गया है 11 आवंटियों के मामले की सुनवाई पर रेरा का आदेश है। तो 30 दिन के अंदर पैसा जमा करने का आदेश जो है वो रेरा के तहत लगाया गया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। गगन, लखनऊ रेरा ने लगाया 1,37,00,000 रुपए का जुर्माना। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पार्थ इंफ्रा कंपनी है वो लगातार अपने जो कस्टमर हैं उपभोक्ता हैं उनको धोखे पे धोखे दे रहा था, क्योंकि लगातार जो आवंटित है वो पजेशन मांग रहे थे लेकिन पार्थ लगातार उनको टाल रहा था। इसी के चलते रेरा ने काफी सख्ती दिखाई है और 1,37,64,000 का जुर्माना ठोका है और साथ ही साथ इसकी एक मियाद भी तय कर दी कि 30 दिन के अंदर अगर आपने जमा नहीं किया पैसा तो उस पर जो उस पर ब्याज लगेगा या उसके जुर्माना लगेगा 4,000 प्रतिदिन एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा। तो इसे मान सकते हैं कि रेरा की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है, जिस तरह से लगातार बिल्डर्स अपने आवंटियों को धोखा दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, पूरा पैसा ले लेते हैं, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से बड़ा आदेश दुराया गया, सिर्फ 30 दिन का वक्त यहाँ पर गगन, तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर। देखिए बिल्कुल, इसे बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि 30 दिन की मियाद दी, वो भी करीब 1,50,000 रुपए जमा करने का, वो भी अगर जमा नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो प्रतिदिन करीब 4,000 रुपए देना पड़ेगा। तो मान सकते हैं कि बड़ी शक्ति दिखाई है और माना जा रहा है कि पार्थ बैकफुट पे, क्योंकि लगातार पार्थ से कई आवंटी ऐसे थे जो नाराज थे, अभी तक कई अपने ऐसी प्रोजेक्ट थे जिसमें आवंटियों को उन्होंने पोजीशन नहीं दिया था, उसको लेकर लगातार रेरा पेच कस रहा था लेकिन पार्थ पोजीशन देने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी को लेकर अब बड़ी कार्रवाई है, माना जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं देते हैं तो जुर्माने के साथ साथ और भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है रेरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।